Hey guys, good morning. Good morning. Good morning. It's good morning. Good morning, गड्डू भैया मम्मा के चैनल पे भी अरे गड्डू ना मम्मा का चैनल भी चल जाएगा आपके जैसे कद्दू ना प्लीज अरे कद्दू स्माइल दे दी बहुत बहुत है सो गुड मॉर्निंग गाइज टैनी ने स्माइल दे दी मेरा भी चैनल चल जाए टैनी की स्पीड जैसा है ना टैनू अरे गुल्ली मॉस्किटो मम्मा के पास आ रहा था आपने हटा दिया सो गाइज अभी बज रही सुबह की 9 आई शो यू हाँ अब तो मैं घड़ी दिखा रही थी पहले भी थी बट वो मैंने हटा दी थी थोड़ा खराब के कारण सो वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम एंड बेबी ट्रूबी और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं धूप काफ़ी अच्छी निकली है मैंने लगाया वीडियो अपलोडिंग पे टैनी का चैनल पे टैनी वीडियो जा चुका है मेरा वीडियो चल रहा है और मतलब अपलोडिंग पे लगाया दोपहर में जाएगा एंड कल का वीडियो में पता नहीं व्यूज़ क्यों नहीं आए हैं लोगों कुछ कभी कभी नोटिफिकेशन नहीं जाता है ना टैनू मम्मा को चीज दे दो सुबह सुबह मॉर्निंग की चीज आई माँ एक और एक और एक और एक और चाची चाची तो सानू दादा बोलता है मैंने मम्मा हूँ ये वो गुआन टेनी ने मुझे क्या बोल दिया क्या बोला आपने मुझे मम्मा हूँ मैं आपकी कौन हूँ मम्मा मम्मा ना बिल्कुल चलो बोलो गुड मॉर्निंग हम थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से ये आज एक चाची नहीं है मम्मी है ये क्या बोल रही है मुझे ताची आए मम्मा हूँ ठीक है गाइस है ना मिलते हो मैं इसके चैनल के लिए इसकी मस्ती शूट कर लेती हूँ सो फाइनल गाइज मैं फ्री हो गई हूँ सारा काम से अपने से आज आप लोगों ने देख लिया ना कि मैं किचन का भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ ये भी दिखा दिया आज कि मैं पहले भी दिखा चुकी थी भैया झाड़ू पोछा भी मुझे ही करना पड़ता है बर्तन बिगड़ता है मेरे घर में कोई काम वाली नहीं आती है हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और सो गाइज अभी बस अपना काम कर सानू को छोड़ के आई थी टैनी पानी में भीग रही थी ये इसको अकेला मम्मी के पास छोड़ के गई थी मम्मी ने इसको रखा था रोती रही फिर सानू को ट्यूशन छोड़ने के आने के बाद फिर मैंने अपना काम इसको सुलाया पहले तैयार करके नहला के धुला के इसको सुलाया ये देखिए सो रही है इसको सोना होता है तब ऐसी हरकतें करती है जब इसको सुला दिया फिर मैंने अपना सारा काम निपटाया उसके बाद जाके अपना अब बैठी हूँ सो गाइज मुझे रिसीव हुआ एक और मेरा पार्सल जो मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से सो आई शो यू अब आप सोचोगे ये क्या है लाल लड्डू पट्टा वाओ मेरे मन का हो गया यार मजा आएगा सो मुझे मिले हैं यहाँ पे ये दो रेड रेड क्या है मैं बताती हूँ ये क्या है पहचाना नहीं ना मैं बताती अब
पहचाना, पहचान लिया ना? राइट राइट, अब सोचोगे आप कहाँ लगाओगे। तो मैं इनको लगाने वाली हूँ यहाँ अपने बैकग्राउंड में पीछे, और मैंने सोचा था थोड़ा अगर जी ज्यादा हुए तो इधर भी लगा देंगे, देखते हैं किस तरीके से ये फिट रहते हैं, किधर भी फिट रहते हैं। अगर मैं इन दोनों में ही लगाती हूँ वैसे, ताकि ये दीवार भी ढक जाए और ये भी ढक जाए, और काफी अच्छा लगेगा इसके ऐसे करके, है ना? मुझे बड़ा प्यारा लगा। और ज्यादा इसका क्या कॉस्ट है? मैं फ्लिपकार्ट का लिंक नहीं दे पा रही हूँ, एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहता सच बताऊँ तो। तो ये दो कर्टन हैं और ये मुझे पड़े हैं, कहाँ यार इसका प्राइस कहाँ गया? मैंने बुक किया था यार, कहाँ गया इसका प्राइस? इसमें प्राइस नहीं दिया लिखा हुआ, बट मैंने अच्छा ये पूरा खोलूंगी तब देखेगा इसका प्राइस। सो गाइस देखते हैं ये कितना बड़ा कितना है। ये इतना है मतलब, हाँ इस पे तो आना है, और आधा सोचे उस पे आ जाए क्योंकि उधर लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले मैं इसको देखती हूँ किस तरीके से लग रहा है ये लगाने के बाद। और इस तरीके से इसमें दिया है, आप इसमें कोई डोरी लगा के, और इसको मैं इसका सेटिंग करती हूँ लगाने का, काफी प्यारा लगेगा। दिखाती हूँ मैं, एक मिनट हाँ जू करके कैसा लगता है देखती हूँ। और काफी इसका लेंथ भी बहुत है यार, मेरे पैरों में फंस गया। बस ये है कि उलट जाते हैं तो खराब हो जाते हैं। बस उलझना नहीं चाहिए। दिख रहा है आप लोगों को? मतलब काफी अच्छा लगेगा वैसे, व्हाइट वॉल पे ज्यादा अच्छा लगेगा ये। सो गाइज इसको हम लगाते हैं, पहले इसकी तैयारियां करती हूँ मैं कितना क्या कैसे है, उसके बाद मैं आप लोगों से जुड़ती हूँ। पहले इसको लगा लेती हूँ, ठीक है ना? और मैं अपने मामी लोगों को भी दिखा दूँ, उनको नहीं दिखाया। ठीक है, फाइनली मैंने ये लगा लिया और मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं। लेकिन पता नहीं दोनों में क्या अंतर है, मतलब ये थोड़ा सा अंतर है, इसकी जो ऊपर की जो पट्टी है वो थोड़ी चौड़ी है, उसकी थोड़ी कम है। और मैंने दोनों इस अकॉर्डिंग लगाए हैं, थोड़ा सा लहर आए दोनों में। मैंने वैसे टाइट करने की कोशिश की, वो अच्छा नहीं लग रहा था, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। और वो प्लेन व्हाइट पर अगर मुझे कोई भी सिंपल वीडियो करना होगा उस पर भी कर सकती हूँ, वैसे मैं इस पर भी कर लेती हूँ। अभी यहाँ का सिस्टम आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ और बिस्तर रखे हैं, मेरी नाना सोती है रात में मेरे साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं है, जब वो आ जाएंगे तब सेट हो जाएगा। तो सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी खुला खुला रहता था अच्छा नहीं लगता था, टैनी चीज़ें उठाती थी बार बार, लेकिन अभी ठीक लग रहा है, अभी काफ़ी हद तक बहुत अच्छा लग रहा है ये मुझे। सो कर रही हूँ मैं चीज़ें नई नई लाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ मैडम भी उठ के बैठ गई, थोड़ी सी खुट खुट कर रही है, बताओ आधा घंटा भी नहीं सोई है लड़की। अब इसको मुझे फिर से सुलाने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि सोती नहीं एक बार उठने के बाद ही। सो हाँ, मैं दो लोगों का नाम लेना था मुझे, एक थी शिवांश शिप्रा हैं जिनकी मम्मी, उनके बेबी का नाम है शिवांश, एंड श्रेया शर्मा। सो हाय ऑल, एंड शिवांश हाय बेबी, कैसे हो आप?
और हमारी टेनू, टेनू हाय कर दो, छक्को हाय कर दो। तुम्हें छोना है पीछे, समझी? छोना है आपको। ये क्या है, कपड़े क्यों खोल रही हो, कहीं जा रही हो क्या? अभी मुझे सानू को भी लेके आना पड़ेगा थोड़ी देर में, होने 2 बज गए यार। चलिए मैं आप लोगों से फिर मिलती हूँ, है ना गाइस। सो मैं आई हूँ अभी छत पे। छत पे देखिए हमारे कपड़े सूख रहे, सारे सारे इतने सारे कपड़े सूख रहे हैं। 1 मिनट। और टैनी अपनी मस्ती में लगी है। टैनी के लिए हमने अभी वीडियो शूट कर रहे थे। टैनी ये सुनती नहीं, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। सुगर यहाँ सूख रहे हमारे कपड़े। और देखिए एक नया फूल आने वाला है, ये फूल जब खुलेगा तो आपको दिखाऊंगी, बहुत प्यारा खिलता है ये वाला। कली है वैसे, हाथ नहीं दिखाते, और बहुत प्यारा सा फूल खिलता है। ये कड़ी पत्ता का पेड़ है। ये सारे पेड़ मैं और स्वीटी साथ में लेके आए थे सारे। इसमें धनिया हो रहा है, ये देखिए धनिया आ गया इसमें सूखा वाला। हरी पत्ती भी आई थी। ये मेरा आम का पेड़, ये तुलसा जी, एलोवेरा। टेनी मुझे परेशान कर रही, तो चलिए मैं नीचे जाती हूँ। ये मुझे बहुत परेशान कर दिया है। ऊपर आना था, ऊपर आ गई, फिर नीचे जाना, अब नीचे जाना है, ठीक है? ये क्या हो रहा है, जिम कर रही है तेरे? जिम पकड़ो 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 पकड़ो। अच्छा देखो गिर के दिखा रही है, देख रहे हो? चलिए गाइस, सो फाइनली मैं हूँ किचन में, और मैं बनाने जा रही हूँ रात को आलू के पराठे। तो उसके लिए बना रही हूँ मैं आलू की पिठी, यानी कि दो समझ लीजिए, ये बना रही हूँ। ये है बॉईल किए हुए आलू, सबको ही पता होगा ये सारी चीज़ें। तो बहुत लोगों ने बोला कि आप किचन का पार्ट ऐड नहीं करती हो, किचन का पार्ट ऐड नहीं करती हो, तो फाइनली मैं किचन का पार्ट ऐड कर दिया है। मैं आलू का डो जो बनाने जा रही हूँ मिक्स करके, इसमें डालूंगी हरा धनिया, मिर्ची और नमक, और नमक और लाल मिर्ची बस। इसके अलावा कुछ नहीं, नो प्याज, नो कुछ कुछ और नहीं, क्योंकि सिंपल तरीके से बनता है, और इसलिए मैं कुछ अदरवाइज एक्स्ट्रा नहीं इसमें ऐड करूंगी, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं आलू की पिट्ठी बनाना, ठीक है? तो गाइस मेरे पास है यहाँ बॉईल किए हुए आलू। इसमें सबसे पहले ऐड कर लूंगी मैं नमकी, और सॉरी नमकीन कह रही हूँ, धनिया पत्ती और हरी मिर्च जो मैंने इसमें कट कर ली है इसी में है, तो इनको इसमें ऐड कर लूंगी। और मैं हाथ से ही सब कुछ करूंगी, नो इसमें कोई भी मैश करने के लिए कुछ नहीं लूंगी आलू मैश करने के लिए। और इसमें हल्की सी रेड, हल्की सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाल चुकी हूँ मैं, और नमक ऐड कर लूंगी। आटा में लगा चुकी हूँ, अभी पिठी बना के रख दे रही हूँ, रात को खाना बनाएंगे, रात को बनाएंगे। लोग बोलोगे इसमें और भी चीजें ऐड होती हैं, जैसे कि हींग हो गई, और बहुत से लोग प्याज भी ऐड कर लेते हैं, बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से नहीं करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि सारे ही लोग करते हैं, और बहुत से लोग इसी तरीके से सिंपल करते हैं, तो मेरे घर में इसी तरीके से सिंपल खाया जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को ज्यादा खाना नहीं, किचन का पार्ट नहीं दिखाती, क्योंकि हम बहुत सिंपल सा खाना बनता है मेरे घर में। तो चलिए फटाफट से इसको मैश कर लेती हूँ अपने हाथों की मदद से, ठीक है? चलिए जो है मैंने बना ली है, ये देखिए बन गया है, पूरा मैश हो गया। बहुत ही मतलब जो आलू इस टाइम आ रहा है वो बहुत जल्दी मैश हो जाता है, कोई गांठ वगैरह नहीं रहती, मतलब ऐसे पहले जो आलू आते हैं उनमें गांठ रह जाते हैं, ये अभी शायद सर्दियों में अलग आता है, नया पुराना आलू ऐसा कुछ अंतर होता है। हाथ से ही मैश हो गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं रही है। मैं देख रही हूँ चेक करके, कुछ है तो नहीं, लेकिन आराम से एकदम देखिए आराम से हो गया है। अभी मैं इसको रख दे रही हूँ, और मम्मी के लिए रोटी बनानी है, उसके बाद रात में जाके मैं आलू के पराठे बनाऊंगी। तो हो सका अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, ठीक है? चलिए बनाते हैं मम्मी के लिए खाना। एक और चीज कि प्लीज ये मत बोलिएगा मैंने हाथ से मैश किया, बिकॉज आटा भी हम हाथ से ही लगाते हैं, तो प्लीज डोंट ऐसे बैड कमेंट मत करना कि हाथ से आटा लगा रहे हैं, ठीक है? One.
चैनी के लिए मैं बनाने जा रही हूँ अभी फिलहाल ये होम स्टाइल मसाला ओट्स, और ये ज़्यादा तीखा नहीं है, प्लेन है। इसमें टमाटर, गाजर एंड धनिया पत्ती और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये प्लेन है, ज़्यादा नहीं, वेजिटेबल्स ओट्स है, मतलब ये समझ लीजिए। और 3 मिनट्स में बन जाएगा। ये देखो टैनी की कंडीशन, टैनी आज दोपहर में नहीं सोई ना, ये इसका नतीजा है। तो मैं इसके लिए बनाने जा रही हूँ, देखते हैं खाती है कि नहीं, खाया है कि नहीं। आपको ये देखने के लिए इसके चैनल पे देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ इसका वीडियो जाएगा टैनी ने खाया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए। ओके सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15, और मेरी तबीयत रात को कुछ अजीब सी डिस्टर्ब हो गई थी, मेरे साथ साथ टैनी की भी हो गई थी। टैनी बहुत परेशान कर रही थी, इसलिए मैंने जो आलू के पराठे बनाने थे मेरे को, हाँ हो गई हो गई। आप रबड़ ले लो मम्मा की, उसके नीचे से जाओ, तो मुझे इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, मुझे उठना, मुझे रात को आलू के पराठे बनाने थे, तो वो मैं मतलब दिखाने थे, वो नहीं दिखा पाई आपको, नहीं दिखा पाई। एंड कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो डिस्टर्ब हो गई थी। एंड एक चीज़ और बोलनी थी मुझे, मैं सुबह सुबह उठ के व्लॉग एंड कर रही हूँ, कि गाइज जिस तरीके से मैंने आलू की जो डो था वो बनाया था, ठीक है, वो आई थिंक नए आलू होते हैं या पुराने आलू, मुझे इतना पता नहीं है इन चीज़ों के बारे में, बट इतना पता है कि सर्दी के मौसम में थोड़े अलग आलू आते हैं, गर्मी में थोड़े अलग, इतना तो मुझे पता है। सो गाइज वो क्या था कि वो आलू थे, ऐसे होते हैं जो हाथ से मैश हो जाते, तो मैंने हाथ से किया, तो प्लीज़ इस चीज़ पे तो कमेंट करिएगा मत। दूसरी चीज़ कि इतना ही सिंपल खाते हैं, और अगर कोई रोटियों के लेके बोले, क्योंकि लोगों की पता नहीं है कब किस चीज़ पे ट्रोल करने लगे कि जला दी, तो भैया हमारे यहाँ इतनी ही खरी रोटी सेक के खाते हैं, कच्ची पक्की रोटी नहीं खाते हैं कि हल्की सी सेकी और हो गया, ऐसा नहीं करते हैं। एंड आलू की पिट्ठी में भी मैंने बहुत कम कम चीज़ें डाली थी, बहुत कम कम चीज़ें डाली थी, मतलब न ज़्यादा तीखा किया था, क्योंकि मेरे घर में नहीं खाते, और वो मैं स्पेशल अपने लिए तो नहीं बना रही थी, जो अपने अकॉर्डिंग बनाती, ठीक है, फैमिली में काफ़ी लोग हैं, सबका देखना पड़ता है। सो मेरा तो हो गया, मैंने तो क्लियर कर दिया, फिर भी अगर लोगों को कमेंट करना है, क्योंकि आज मेरे पास मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा अच्छा कमेंट किया कि लोग गलत करें तो उनको नीचा दिखाना चाहिए, इनको इनकी इज्जत उतारनी चाहिए, तब इन लोगों को पता चलता है। ले मेरा बच्चा, तब इन लोगों को पता चलता है, उसने ऐसे बोला, तो मुझे लगा शायद ऐसी थिंकिंग वाले लोग कुछ भी कर सकते हैं। एंड भैया मुझे एक चीज बता दो, बस एक चीज, चाहे मैं वॉच बोलूं चाहे मैं क्लॉक बोलूं, ठीक, हिंदी में तो उसको घड़ी ही बोलते हैं ना, हिंदी का एक ही मीनिंग निकल के आता है, घड़ी, तो क्या फर्क पड़ गया अगर मैंने क्लॉक को वॉच बोल दिया तो? मैं इंग्लिश में मिस्टेक कर गई, लेकिन हिंदी में तो घड़ी ही बोलेंगे उसको, बताइए आप लोग, क्या वॉच को कुछ और बोलते हैं या क्लॉक को कुछ और बोलते हैं हिंदी में? घड़ी ही बोलते हैं ना दोनों को। क्या यार आप लोग इतनी सी चीज लेके इतना ट्रोल करते हो ना, कि क्लॉक बोल दिया, क्लॉक को वॉच बोल दिया, वॉच बोल दिया, वॉच बोल दिया। अगर हम सर्च में भी वॉच डालेंगे ना, तो दोनों वॉच निकल के आते हैं। अरे मेरे, मुझे कुछ काम था, बाहर जाना पड़ा था। सो गाइस प्लीज यार, इतनी छोटी छोटी चीजों को लेके ट्रोल मत किया करो प्लीज, है ना टेनू? टेनू उठ गई है, और अभी मुझे अपने रूटीन पे लगना है। सुबह सुबह का मुझे वीडियो इसलिए ऐड करना पड़ा, रात को मैं नहीं कर पाई थी, हाँ हुआ, रात को नहीं कर पाई थी, क्योंकि रात को और सब डिस्टर्ब हो गया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी मेरी ज्यादा, हाँ हुआ, हाँ हुआ। सो इसलिए और मुझे फिर वीडियो एडिट करके लगाना भी होता है इसलिए, और मैं दो नाम और ले देती हूँ, रितु सिंह एंड सलोनी कपूर, ये दो नाम और ले लेती हूँ, पहले मैं वैसे ले चुकी हूँ बट फिर भी मैंने दो नाम ले लिए हैं। एंड बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करके बोलते हैं, दी प्लीज कैमरा मत हिलाइए, मत हिलाइए। मैं क्या करूं, कैमरा हिल जाता है यार, मैं बहुत कोशिश करती हूँ ये ना हिले, बट मैं इसके इंतज़ाम कर रही हूँ, बस जीजू आ जाए फिर मैं इसका इंतज़ाम कर रही हूँ, तो प्लीज़ यार बस 2-3 दिन और रुक जाइए। हाँ मैं दे रही हूँ आपको, मैं दे रही हूँ, बैठो यहीं बैठो, चलो बाय बोलो सबको, बोलो बाय गाइस, आई लव यू।
मेरे बच्चे ठीक बोल ठीक मेरे मेरे बच्चे ने बाय कर दिए। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस बाय गाइस, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे कर्टन कैसे लगे ये भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है बाय। और हाँ, मैंने इनको कर्टन बोला है बिकॉज ये कर्टन ही है, अब इसमें कुछ मत बोलने लग जाना। हाँ चलो।